लाइट पूरी तरह से ऑन हो चुका है दोस्तों। हेलो दोस्तों, एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे पास एक आईफोन एक्स है जो कि कहीं से किसी टेक्नीशियन के पास से आया है, जो ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। उसके लिए हमें कई जगह से छेड़ा हुआ आया है, तो बहुत सारे स्क्रू वगैरह इसके अंदर नहीं है, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम इसे डीसी से लगाकर चेक करते हैं, तो फोन हमारा किस कंडीशन में है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो हमारा फोन अभी 63 मिली एम पर स्टक है। ये कंडीशन DFU या रिकवरी की वजह से भी आती है, और ये कंडीशन आपके इंटेल और क्वालकॉम के दो अदर बोर्ड की वजह से भी आती है। तो सबसे पहले अभी हम इसकी लेयर को अलग करेंगे और देखेंगे कि ये बोर्ड इंटेल है या क्वालकॉम है, और अगर ये इंटेल या क्वालकॉम में है तो उसमें हम आगे कैसे स्टेप फॉलो करेंगे या कैसे इसकी लेयर को फिक्स करेंगे, वो सारा इसी वीडियो के लास्ट तक आपको कंटेंट में मिलेगा, जिसे आप ध्यान से देखें। चलिए सबसे पहले इसे हम खोल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में इस सैंडविच लेयर को देखते हैं कि किसी टेक्नीशियन ने कहीं काम तो नहीं कर रखा है। अच्छे से बोर्ड को क्लीन करें और दोबारा से हम देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो किसी ने इसकी लेयर को निकाला है, लेकिन ये प्रॉपर फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बोर्ड में DFU की कंडीशन आ रही हो या फिर और कोई कंडीशन आ रही हो। तो सबसे पहले अभी हम इसे अलग करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमने प्री हीटर यूज़ करना है। जब भी आप सैंडविच बोर्ड की लेयर को अलग करें तो आपको टेम्परेचर जो रखना है प्री हीटर का, वो 180 मैक्सिमम रख सकते हैं आप। और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही आपका टेम्परेचर 180 तक पहुंचता है, उसके बाद आप स्क्रैपर की मदद से इसकी लेयर को अलग करें। याद रखिएगा, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब आपका ब्लेड ईजली अंदर जाए तभी आप ब्लेड को इंसर्ट करें। उसके बाद प्री हीटर का काम बंद कर दें और इसकी लेयर को क्लीन करें।
सबसे पहले अपर लेयर को क्लीन करें, और जब आप अपर लेयर को क्लीन करें तो ध्यान रखें कि आईसीज जो इसके साइड बाय साइड छोटी छोटी आईसीज लगी हैं या कंपोनेंट लगे हैं उन पर आपके आयरन ना लगे, तो थोड़ा केयरफुली काम करना है। उसके बाद इसी तरह से हम लोअर बोर्ड को भी क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद दोस्तों इसकी अब हम लेयर को बनाएंगे। इसके लिए हम पीपीडी 138 यूज़ करेंगे। जब भी हम 138 से रिवॉल्विंग करेंगे तो हमारे प्री हीटर की जो टेम्परेचर रहेगा इस बार वो 150 या 160 के बीच में रहेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों जैसे आपको पता है आईफोन एक्स में दो तरह के बोर्ड मिलते हैं, एक आईफोन एक्स में इंटेल बोर्ड मिलेगा और एक क्वालकॉम बोर्ड मिलेगा। अगर आप क्वालकॉम बोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं तो क्वालकॉम बोर्ड का अपर बोर्ड जो है वो पूरी तरह से बिना लोअर बोर्ड के भी ऑन रहता है, लेकिन अगर वो इंटेल का बोर्ड है तो आपका अपर बोर्ड सिर्फ 56 तक आता है, यानी वो DFU की कंडीशन में दिखाएगा। उसके लिए आपका लोअर बोर्ड होना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि आप कौन सा बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो बोर्ड है वो क्वालकॉम का बोर्ड है, यानी इसका अपर बोर्ड डायरेक्ट ऑन होता है, इसके लिए आपको लोअर बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अब इसकी बॉलें बननी स्टार्ट हो गई हैं। यदि दोस्तों आपका बैंड बोर्ड जो है थोड़ा बैंड होता है तो ये थोड़ी सी देर लेगा, पीछे का साइड जो है वो बोर्ड से आपका या प्री हीटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा वेट करें ठंडा होने का। दोस्तों इसे रख दें अपर बोर्ड को और फिर से प्री हीटर को ऑन कर दें। जैसे इसमें से स्मोक निकलता है उस वक्त आप इसे शेक करा दें। जैसे कि दोस्तों इसमें से स्मोक बाहर आने लगा है तो अब हम हल्का सा इसे शेक कराएंगे। यदि ये शेक होता है तो इसका मतलब आपने प्रॉपर उसे फिक्स कर दिया है। यदि दोस्तों आपका अपर बोर्ड थोड़ा सा अगर ऊपर के साइड से उठा हुआ है तो आप इस तरह से कॉइन रख के उसे प्रेस कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में इसके लिए प्री हीटर और भी प्री हीटर आते हैं जिसमें लॉक की आती है ऊपर से, यानी अडप्टर सा ऐड मिलता है जो आपके अपर बोर्ड को थोड़ा सा नीचे प्रेस करता है, लेकिन आप चाहें तो ये कॉइन से भी काम कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको प्री हीटर थोड़ा सी देर बंद कर देना है ताकि ये हीटिंग
जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप कॉइन रखें। ऑन पर कॉइन रखेंगे तो ये बॉल्स सारी बाहर आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके अपर से और लोअर की शॉर्टिंग आ जाएगी, यानी बोर्ड जो ऑन था वो भी बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों जैसा अब हमारा बोर्ड ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे दोबारा से कि फ़ोन के हमारी लेयर प्रॉपर फिक्स हो गई है या नहीं। तो आप देखेंगे लेयर पूरी तरह से फिक्स हो गई है। जब तक लेयर फिक्स नहीं होती है तब तक हम इस पर आगे का काम नहीं करते, इसीलिए हमने दोस्तों सबसे पहले इसकी लेयर को बनाया है। अब इससे आगे का काम जो कि अभी हमारा DFU में है सेट, तो अब हम सॉफ्टवेयर से देखेंगे इसमें कि क्या फ़ोन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अच्छे से बोर्ड को धो दें। अभी हम दोबारा देखते हैं कि DC में कहीं बिफोर पावर हमारी लेयर शॉर्ट होने से कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ गई है। अभी ये बोर्ड ऑन है, बिफोर में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, आफ्टर में भी अभी हमारा स्टक है 60 पर, और अब हमारी लेयर प्रॉपर ओके है। अब हम इसका आगे सॉफ्टवेयर करेंगे और देखेंगे क्या ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है या नहीं। इसके लिए आपको इसे दोबारा हाउसिंग में फिट करना है। हमने लेयर का काम इसलिए किया है क्योंकि इसमें किसी टेक्नीशियन ने पहले ही लेयर का काम कर रखा था, तो पहले प्रॉपर लेयर बनाने के बाद ही हम इसका सॉफ्टवेयर करेंगे, अदरवाइज कई बार आपका बेस बैंड वगैरह काम नहीं करता है। तो अभी हमारा फोन DFU में आ चुका है और अब हम इसे फ्लैश करके देखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फाइल है, अभी हमारा प्रोग्रेस बार आ चुका है और ये अब हमारा सेट फ्लैश होने लगा। ये सारी डिकोडिंग, एरर्स की डिकोडिंग वगैरह या लेयर्स के बारे में कौन सा टेम्परेचर कहां पर यूज करना, ये सब क्लासेस में आपको बताया जाता है। कैसे पता चलेगा आपको कि फोन आपका DFU में है, या कैसे पता चलेगा आपका फोन बिफोर पावर या आफ्टर पावर शॉर्टिंग है या ओपन करंट है, ये सब डिटेलिंग आपको क्लास में, जब आप प्रॉपर क्लास लेते हैं तो आपको जानने को मिलेगी। यहाँ हमारा फोन पूरी तरह से फ्लैश हो चुका है और अभी हम देखेंगे, अभी अपने आप दोस्तों रीस्टार्ट होगा और दोबारा बूट लेता है। तो ये सेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।